पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कलदा में रामकथा का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर दो दिवसीय रामकथा का आयोजन 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक किया जाएगा, जहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी कलदा का दौरा करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद करने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कलदा का दौरा किया है और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है। तो पता चली है, मिल ही गए हैं तो सर यहाँ 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कलदा में कथा का आयोजन होना है और इसके संबंध में संबंधित समिति के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस के द्वारा स्थानीय स्तर पर बैठकें की जा रही है, ग्रामीणों को समझाई दी जा रही है कि कथा सुनने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से आए। मैं मौजूद हूँ पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्र प्राकृति की गोद में बसा हुआ कलदा में, जहाँ आगामी 14 अक्टूबर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा वनवासी राम कथा का आयोजन होना है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं किस तरीके से क्रेन की मदद से टेंट को लगाने का काम चल रहा है, साथ ही लगातार जिला प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सुरक्षा की दृष्टि से लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पहुँचने के लिए पहुँच मार्ग है उसको भी जहाँ कहीं भी खराब है उसको दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्री के रुकने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वन विभाग का जो रेस्ट हाउस है श्यामगिरी में, वहाँ व्यवस्था की जा रही है। साथ ही हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल हैं महामहिम, उनके आने के भी सूचना है, जिसके लिए हेलीपैड की भी तैयारी जोरों पर है। पवई से MKN न्यूज अनुप कुमार शुक्ला।